हमारे पास सवाल आता है कि आखिर एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट ये क्यों कहलाता है बफर? जब हम इसमें थोड़ा बहुत एसिड ऐड कर देते हैं तो उसका पीएच चेंज क्यों नहीं करता भैया? तो आइए इसका रीजन जानिए। रीजन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर सवाल आ चुका है, रीजन के ऊपर ही सवाल आया हुआ है। समझे योगेश दादा? नहीं आता नहीं बताते, बट जान लो। मान लो ये एक वीक एसिड है, सपोज दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH। ये एक वीक एसिड है और इसी का एक सॉल्ट ले लेते हैं। कौन सा सॉल्ट ले ले? इसी का सॉल्ट ले लेते हैं CH3COONA, है ना? आयन ले लेते हैं उसका, Na तो टूट के अलग हो जाएगा अगर सॉल्यूशन में, CH3COO नेगेटिव और Na प्लस। करेक्ट, ऐसे ही होगा ना, सॉल्ट तो ऐसे ही टूटेगा। तुम बोलोगे हाँ ऐसे ही टूटेगा। अब क्या करते हैं, और पानी वानी तो होता ही है इसमें, सॉल्यूशन है तो H2O होगा। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि अब इसमें एक काम करते हैं, एक चुटकी एसिड मिला देते हैं। कौन सा एसिड चाहिए योगेश बताओ? कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा मिलाना चाहोगे? HCl मिला दें? बोलो एचसीएल। HCl मिला हाँ दें? बोलोगे हाँ मिला दो HCl मिला दें। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। कितना मिलाना है? मैंने बताया था ना, थोड़ा सा बस मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? थोड़ा सा। तो सपोज हमने 1 ml ऐड कर दिया, ऐड 1 ml, 1 ml हमने ऐड कर दिया। तुम बोलोगे ठीक है, HCl चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या देगा? तुम बोलोगे ये H प्लस रिलीज कर देगा, प्लस Cl नेगेटिव। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए, होता क्या है कि इस सॉल्यूशन में ये Na प्लस टूटा रहता है और CH3COO नेगेटिव प्रेजेंट रहता है। तुम बोलोगे अच्छा हाँ ये भी रहता है। और दूसरी बात, ये भी तो रहता है, ये वीक एसिड क्या करता है योगेश दादा, ये कुछ H प्लस आयन दे देता है। मान लो कुछ देर के लिए, ध्यान से सुनो, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो 5 है CH3COOH। तुम बोलोगे लेकिन सर ये जो वीक एसिड है ये तो कुछ ही नंबर में टूटता है, इसका अल्फा तो फिक्स रहता है। मैंने बोला हाँ, 5 में से मान लो 2 टूट गया तो बचा कितना? बचा कितना? बचेगा 3। तो 2 टूटेगा तो ऐसे ही बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस 2H+, आया ना? और अब 3 बच गया एसिटिक एसिड, आया ना योगेश दादा? पूरे के पूरे ये नहीं टूटते। तुम बोलोगे हाँ एकदम सही है। नमक है तो नमक तो पूरा ही टूटेगा, 100% डिसोसिएट होता है प्लस एन ए। भैया नमक तो पूरा टूटेगा ना, ये तो मानते हो ना? मान लो 5 नमक था, ये 5 के 5 टूट गया। अब जो तुमने एच प्लस एच सी एल मिलाया ना योगेश, तो ये एच प्लस चला जाता है इस नमक वाले कॉन्जुगेट बेस के पास। ये किसके पास चला जाता है? सॉरी, कॉन्जुगेट आयन कहेंगे इसको। वैसे ये इसका बेस ही तो है, इस एसिड का ये बेस ही तो है, एच प्लस अगर हटा देते हो। तो मैं बोल रहा हूँ इस कॉन्जुगेट आयन के पास ये चला आया, ये एच प्लस। तुम बोलोगे ठीक, तुमने मान लो इसमें 1 ml डाला, 1 ml, ये 1 ml का 1 ml पूरा इसमें आ गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? CH3COOH में। ठीक है, कितना हो गया? CH3COH में। बट ये जो CH3COOH है अब और नहीं टूटेगा। तुम बोलोगे सर मान लीजिए ये फिर से एड ऑन हो के 5 ही बना दिया, 3 था ना, 2 और इससे, 2H+ यहाँ से आया और बन गया ये 5, तो अब तो और टूटेगा ना? तो जवाब है नहीं, जवाब है जी नहीं। उस कंसेंट्रेट उस पूरे सॉल्यूशन में जितना उसको टूटना था पहले से टूट के बैठ गया, अब और नहीं टूटेगा योगेश दादा। इसका मतलब तुम जो सोच रहे थे कि ये एच प्लस एक्स्ट्रा आ जाएगा पूरे सॉल्यूशन में, तो जवाब है हाँ आया तो एच प्लस एक्स्ट्रा, बट उस एच प्लस को कौन खा गया? ये आयन खा गया। इसीलिए एच प्लस तुमको तो लगेगा बढ़ गया, बट बढ़ा नहीं, जितना था उतना ही रह गया। आया ना? बताओ समझ आया थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत तो मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहूंगा, ये तो समझाने के लिए। समवन इज स्टिल स्लीपी इन द क्लास। देखो यहाँ पे क्या है, CH3COO नेगेटिव, इसको क्या मिल गया दोस्त? एच प्लस मिला यहाँ पे। और ये बना लेगा CH3COOH। और तुमको पता है ये फीबली आयनाइजेबल, फीबली आयनाइज होता है यानी बहुत कम टूटता है, और जितना टूटना था ये पहले ही से टूट चुका, अब और नहीं टूटेगा, अब और ये टूटने वाला पार्टी है नहीं। समझ में आया योगेश दादा? तुम बोलोगे हाँ समझ आ गया बिल्कुल। अच्छा तुम बोलोगे एसिड वाला तो कहानी कथा समझ में आ गया, बेस का बता, बेस का बताइए थोड़ा, बेस का क्या है? तो ठीक है मैं यहीं पे बेस का भी बता देता हूँ। मान लो, चलो मैं यहाँ बताता हूँ,
कंडीशन तो ये भी होता है ना, देखो वाई वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट इज इक्वल्स टू बफर, ये भी होता है। तुम बोलोगे हाँ, उसको बताने से पहले इधर आओ, हमने HCl मिलाया तो भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब मृणाली बोलेगी कि सर आप HCl क्यों मिला रहे हो, तो हम बोलेंगे तुमको दिक्कत क्या है भाई बताओ। वो बोलेगी सर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। हम बोलेंगे अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, समझे योगेश दादा, और वो भी एक एटम मिला अच्छा दी, ज्यादा नहीं मिलाएंगे। क्या बफर का चेंज होगा पीएच? तुम बोलोगे नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? ये यहां से क्या रिलीज करने वाला है NaOH बताओ तो? क्या OH नेगेटिव रिलीज करेगा योगेश दादा? हाँ सर, इसको कौन पकड़ लेगा भाई, इसको कौन पकड़ लेगा? यही पकड़ेगा, और कौन पकड़ेगा? देखो CH3 COO नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, सॉरी OH नेगेटिव है ना, OH नेगेटिव है ना, ये एसिड है, ये पकड़ेगा और पकड़ के इसको बना देगा CH3 COO नेगेटिव प्लस H2O। क्या H प्लस OH नेगेटिव कुछ चेंज हुआ पानी में? पानी में दो ही चीज बढ़ना चाहिए, या तो OH बढ़ जाए या तो H प्लस बढ़ जाए, तभी pH चेंज होगा। क्या बढ़ा? नहीं, OH नेगेटिव जो था उसको भी खा गया। कौन? ये एसिड, ये खा गया, कुछ चेंज हुआ नहीं। हाँ, औकात से ज्यादा नहीं डाल देना, इसलिए मैंने कितना मिलाया है 1 मिलीलीटर। औकात से ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस मिला दो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, बफर का पीएच चेंज नहीं करेगा, लेकिन लिमिट में डालना है। किस में डालना है? लिमिट में। अब यही कहानी बेस के लिए करते हैं भैया। मान लो बेस है वीक बेस और उसका एक सॉल्ट, कौन सा ले ले? ममता आर यू स्टिल स्लीपी? ले लो NH4OH, वीक बेस है, और इसका कोई सॉल्ट ले लेते हैं, कौन सा ले ले? NH4Cl ले ले, NH4Cl ले लेते हैं, ये उसका सॉल्ट हो गया। तुम बोलोगे ठीक, अब इसमें क्या मिलाना चाहते हो दोस्त? स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो। तो देखो NH4OH को जब मिलेगा H प्लस, कहाँ से? HCl से, मान लो मिल गया HCl तुमने मिलाया, तो ये बना देगा अमोनियम आयन प्लस वाटर। कुछ एक्स्ट्रा आया H प्लस? नहीं आया, कोई H प्लस एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। गॉट इट योगेश, मृणाली? कोई H प्लस एक्स्ट्रा नहीं है। जब तक सॉल्यूशन में फ्री H प्लस या OH नेगेटिव नहीं आएगा, तब तक पीएच चेंज नहीं होने वाला। तुम बोलोगे अगर हम OH ही मिला दे तो? मान लीजिए हमने OH मिला दिया यहाँ पे, OH नेगेटिव सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, हम बोलेंगे हाँ मिला तो सकते हो, तो उसके लिए ये आयन बैठा रहता है, क्योंकि ये तो खुद भी डिसोसिएट होता है ना भाई योगेश दादा, ये तो खुद भी डिसोसिएट होता है। तुम बोलोगे हाँ, तो ये बैठा हुआ है, लो ये है ना बैठा हुआ, ये इसको पकड़ लेगा और बना देगा NH4OH। तो कुछ भी करो वो चेंज नहीं करेगा पीएच को, वो पीएच चेंज नहीं होने देगा। तो बोलो समझ आया कि पीएच चेंज क्यों नहीं होता? तुम बोलोगे हाँ पीएच तो चेंज नहीं होता, ये समझ में आया। तो फिर पीएच रहता कितना है ये तो बताइए, पीएच चेंज नहीं होता ये समझ में आ गया। तो पीएच का कुछ तो वैल्यू रहता होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ तो रहता होगा, वो कैसे कैलकुलेट करें? तो आओ उसको कैलकुलेट करना सीखे, सीखे दोस्तों, बताओ हाँ आइए देखें, ठीक है समझे। मैं बताने जा रहा हूं पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक का वही होगा, तुम जानते हो एक निकालना सीख गए तो दूसरा भी निकालना सीख जाएंगे। पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ध्यान से देखते जाना। मान लो एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत? बोलो, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन में क्या क्या है? सॉल्यूशन में CH3 COOH प्लस CH3 COON है ना, एसिडिक। देख लो एसिड, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, बफर है कि नहीं है बताओ? तुम बोलोगे हाँ बफर,
बफर के लिए मैंने बताया था ना क्या क्या होता है, बफर के लिए होता है वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट एंड सॉल्ट, दूसरा वीक बेस कॉन्जुगेट एंड सॉल्ट, तीसरा वीक एसिड वीक बेस। याद आ रहा है सबको? बोलोगे हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। तो आइए मुझे एक बात बताओ, जब पानी में डालेंगे तो सॉल्ट तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, CH3COONA ये पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा ऐसे और ऐसे में, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, ये 100% डिसोसिएट करता है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट एसिड, क्या एसिड पूरा का पूरा टूटता है? नहीं, एसिड तो पूरा का पूरा नहीं टूटेगा। तो जो एसिड पूरा का पूरा नहीं टूटेगा वही रिवर्सिबल रिएक्शन चलाएगा, हाँ या ना? देखो ना कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ सर, यस, कुछ बनेगा, कुछ इधर बनेगा, कुछ इधर बनेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए इस एसिड का के ए मैं कैसे लिखूं? के ए जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम पे जब एसिड टूट रहा है, ध्यान से सुनो, ये मान लो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया, मान लो इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो इक्विलिब्रियम पे ये जितना टूट रहा है और ये जितना बना रहा है इसको, उसे क्या कहते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए कहते हैं ना, के ए कहते हैं। तुम बोलोगे हाँ, इसका वैल्यू कैसे लिखें? तुम बोलोगे बहुत ही सिंपल, ये क्या बहुत ही सिंपल है, कैसे? प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन देखो, CH3COO-, एच प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन CH3COOH का कंसेंट्रेशन, सही लिखे हैं योगेश दादा? बताओ, ठीक है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही। मुझे क्या पता करना भैया, मुझे पीएच पता करना है ना, मुझे क्या पता करना है पीएच, तो मैं एच प्लस को निकालूंगा साइड में, यहाँ देखो योगेश, एच प्लस है ना, ये एच प्लस, मुझे इस एच प्लस को पता करना है, तो इसको उठा के इधर डाल दे और इसको उठा के नीचे डाल दे, बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको डिवाइड कर दे, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं? देखो तो कि भैया एच प्लस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू के ए इंटू सी एच थ्री सी ओ ओ एच का कंसेंट्रेशन अपॉन CH3COO- का कंसेंट्रेशन, बताओ सही जा रहे हैं क्या हम लोग? तुम बोलोगे हाँ हाँ एकदम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं, नहीं। अब एक बात मुझे बताना, एकदम सोच के, एकदम सोच सोच के बताना, क्या ये एसिड का कंसेंट्रेशन है भैया? CH3COH एसिड ही तो है, वीक एसिड, बोलोगे हाँ ये तो है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं योगेश? देखो तो Ka is equals to, sorry, Ka नहीं, H plus. H plus concentration is equals to, hello, हाँ बोलो बोलो बोलो, टेक्स्ट कर दो छोटू, टेक्स्ट कर दो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आई एम इन क्लास, रिकॉर्डिंग चल रहा है, टेक्स्ट में पता नहीं ये बोलने के लिए कॉल लोग क्यों करते हैं कि मैं आज क्लास नहीं आ पाऊंगा, गेस करो हु वाज ही? ओमकार, ऑब्वियस सी बात। तो देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ योगेश? तुम बोलोगे हाँ ये तो एसिड ही। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ नीचे में मैं क्या लिखूं? CH3CO- के लिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान रखो, एक बात बताओ, ये टूटेगा इस पानी में कौन कौन CH3CO- कहाँ कहाँ से आ रहा है, सोच के बताओ, थोड़ा धीरे भाई बताओ, CH3CO- कहाँ कहाँ से आता है रुनाली? तुम बोलोगे सर एक तो सॉल्ट के टूटने की वजह से आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, ये टूटेगा तो CH3CO- आएगा, दूसरा एसिड के टूटने की वजह से आ रहा है, क्या योगेश दादा सही बात है कि नहीं है? और हमारे ऊपर कोई ऐसा ग्रहण तो नहीं लगा, ये कोई रोकथाम तो नहीं किया है कि भाई ये इसका आ रहा है तो इसका मतलब उसका आ रहा है, भाई सेम चीज है ना, चीजें तो सेम है। तुम बोलोगे हाँ, कॉमन सेंस क्या कहता है, ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, किसकी वजह से कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा ये ज्यादा, कॉमन सेंस क्या कहता है? बोलो बोलो भैया, ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, 100%, बोलो मत,
ये 100% टूट रहा है तो ये बहुत ज्यादा होगा। मान लो ये 10 मोल ले लिए, ये 10 मोल ले लिए, ठीक है, और 10 मोल में ये 10 मोल पूरा टूट के 10 मोल बना दिया और ये 1 मोल ही टूटा, तो उस 10 में एक अगर जोड़ भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैंने बताया था इनका अल्फा बहुत ही कम होता है, 1 से लेके 5%, याद आ रहा है? तो इस ज्यादा में बहुत ही कम चीज जोड़ दे घटा दे, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैं इस CH3COO नेगेटिव के लिए मैं ये लिख दूं कि भैया अगर ये 10 मोल है तो ये भी 10 मोल ही बनेगा ना, देख लो रिलेशन 1:1 का होगा। तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो इसी का कंसंट्रेशन के बराबर होगा। अगर इसका 10 मोल तो इसका भी 10 मोलर, मान लो 10 मोलर है तो इसका भी 10 मोलर, आया ना? तो क्या मैं इस CH3COO नेगेटिव के कंसंट्रेशन की जगह सॉल्ट का कंसंट्रेशन लिख दूं क्या योगेश दादा? सोच के बताओ, नहीं बोलोगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये समझना पड़ेगा पहले, फॉर्मूला तो बन ही जाता है। हाँ सर, लिख देना। चलो भैया लिख देते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ सॉल्ट का, मैंने लिख दिया सॉल्ट। तो अब हमें क्या पता चला? अब हमें पता चल गया है एच प्लस, अगर एच प्लस को मैं माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम लोगों को कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप सबको मल्टीप्लाई करो, बस यही कहना चाहेंगे क्यों? तो लो मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लॉग सबको कर दिया, के ए कंसेंट्रेशन एसिड का अपॉन सॉल्ट का, सही है? ठीक है, बोलोगे हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, माइनस लॉग एच प्लस को तो हम लोग पीएच लिख सकते हैं, लिखते ही हैं, लिखेंगे सकते हैं क्या? लिखते ही हैं पीएच, इसको मल्टीप्लाई करो तो मुझे बता ही दोगे तुम लोग, मुझे पता है कि ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ये के ए को देखो ना, ऐसे नहीं लिख सकते क्या? के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट नहीं लिख सकते क्या? तुम बोलोगे हाँ, जब इंटू में रहता है कोई चीज तो प्लस हो जाता है, याद आ रहा है? लॉग देखो ना, लॉग ए इंटू बी, तो क्या लिख सकते हो? लॉग ए प्लस लॉग बी, नहीं लिख सकते क्या? तुम बोलोगे हाँ, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और कुछ ध्यान नहीं देना। देखो ना, लॉग के साथ माइनस फ्री में मिला है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एसिड का कंसेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसेंट्रेशन। तुम बोलोगे हाँ एकदम सही, ठीक है। अब मुझे बताओ ये लॉग के आगे माइनस साइन का क्या अर्थ हुआ? ध्यान से देखो जरा, लॉग के आगे 10 का पावर अगर -1 है तो ये बाहर घूम के आएगा तो -1 हो जाएगा। अगर एक्स है तो छोड़ो ना, एक्स का पावर अगर हम -1 डालेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? चलो मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ। लॉग एक्स बाई वाई, इसका पावर अगर -1 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ योगेश दादा? माइनस लॉग एक्स अपॉन वाई, सोच के बताओ, आया ना? सभी लोग बताए, ठीक है। तो क्या मैं माइनस वाई को ऐसे नहीं लिख सकता क्या योगेश दादा, कि लॉग वाई अपॉन एक्स इज पावर 1? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। अरे भैया लगता है बच्चे समझे नहीं। देखो मैं बोल रहा हूँ 10 का पावर -1 है ऊपर में, तो 1/10 क्या हो जाएगा? पावर 1 पॉजिटिव में। अगर 10 का पावर +1 है ऊपर तो नीचे आके 10 का पावर -1, उल्टा हो जाता है ना, तो इसको उलट देंगे, कर सकते हैं? समझ में आया या नहीं आया? समझा सर। समझा ना, तो आइए मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखो योगेश, मान लो कि ये माइनस, एक्चुअली में इसके ऊपर -1 था, इस दोनों को मिला के -1, तो इस -1 को मैं +1 बनाने जा रहा हूँ, सॉल्ट को ऊपर करके एसिड को नीचे करके। तो ये +1 जब घूम के यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं? बस यही है कि सॉल्ट ऊपर चला जाएगा, एसिड नीचे आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दैट पीएच इज इक्वल्स टू, देखना, माइनस लॉग के ए को हम लोग पी के ए कहते हैं, शायद तुम लोगों को याद हो, प्लस लॉग सॉल्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसेंट्रेशन, बस हो गया खत्म। यही फॉर्मूला है पीएच पता करने का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तुम बोलोगे सर इसका फिर तो हम लोग बेस का भी निकाल लेंगे। हाँ बेस का भी निकाल लेंगे, निकाले क्या? साइड में तो जगह नहीं है, निकाले। ये समझ में आया है ना,
अगर समझ आए तो मैं बेस का निकालूंगा। निकालें क्या हम पीएच निकाल सकते हैं बेस का, सोच के बताना मुझे। तुम बोलोगे नहीं, मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करते ही बोल दिया पीएच कभी भी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे पीओएच। अगर कोई चीज बेसिक है तो सबसे पहले आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, पीओएच निकालो, फिर उसको 14 से माइनस करके पीएच निकालो। ठीक है, ठीक है, आओ बेसिक सॉल्यूशन। हाँ आइए आइए मित्रों, हम लोग पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन लेते हैं। पीएच ही ले रहा है अभी भी, देख लो। चलो पीएच नहीं, पीओएच ले लेते हैं, हटाओ। पीएच तो तुम लोग जानते हो ना कैसे निकालते हैं, 14 में से माइनस करो। पीओएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है, तो यही एक डब्बा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या है, मान लो कोई बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, उसके बाद एक सॉल्ट ले लो इसी का वीक, बेस का ही सॉल्ट ले लो NH4Cl। तो सॉल्ट तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, ये तो मानते हो, इसीलिए मैंने देखो एरो कैसा दिया है, ऐसा 100% डिसोसिएट होकर क्या बना देगा, NH4+ Cl-। तुम बोलोगे हाँ, लेकिन हाइड्रोक्साइड तो पूरा नहीं डिसोसिएट होगा, तो ये क्या जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो क्या क्या बनाएगा, NH4+, सेम कहानी लेके जा रहा है। देखो क्या लिखेंगे योगेश दादा, वीक बेस के लिए केबी, केबी क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। अरे नहीं बताओगे क्या तुम लोग, योगेश दादा कुछ तो बताओ भाई, सही खेल रहे हैं। हाँ सर। अब OH नेगेटिव का इधर लिखेंगे कंसेंट्रेशन, जैसे वहां OH H प्लस का लिए थे, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, जल्दी बताओ, KB into डिवीजन में NH4+, सही है, बताओ योगेश। सही है सर। क्या हम OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं क्या, KB into, इसको मैं बेस लिख सकता हूं क्या, बेस का कंसेंट्रेशन, वीक बेस का कंसेंट्रेशन अपॉन, इसको मैं सॉल्ट लिख सकता हूं, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, जैसे उसमें लिखे थे भैया वैसे ही, सेम वही कहानी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर, सेम कहानी बेस और सॉल्ट। तुम बोलोगे हाँ हाँ सेम कहानी, चाहो तो ये इसको भी बक्से में यहाँ पे कैद कर लो, कभी जीवन में काम पड़ जाए। को भी कर लो कैद। अब बताओ क्या करे, दोनों तरफ लॉग ले ले, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दे योगेश, अब तो आ ही गया फॉर्मूला, माइनस लॉग OH नेगेटिव OH, हाँ माइनस लॉग, इसको सबको एक साथ डालो, केबी इनटू, सॉरी इनटू क्या, इसमें डालते हैं ना, बेस का कंसेंट्रेशन अपॉन क्या था, सॉल्ट था, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, ठीक है, तो माइनस लॉग OH को क्या लिखते हैं, POH। तुम बोलोगे हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग KB। तुम बोलोगे यस, माइनस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट, फिर से उल्टा कर दे, सॉल्ट को ऊपर करके इसको प्लस में कर दे क्या, बताओ, माइनस लॉग केबी को क्या कहते हैं, पी के बी कहते हैं। तुम बोलोगे यस, प्लस लॉग सॉरी सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ऊपर में अपॉन बेस, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला इजी। हमने क्या निकाल दिया, पी ओ एच, और पी एच बोलेगा तो उसमें से माइनस कर दे, बताइए कोई दिक्कत है क्या प्रणाली, नहीं, ठीक है। अब एक दो चीज हम नोट करके लिखवाएंगे। बोलो बोलो, पिछला पेज दिखाइए,
जस्ट गिव मी अ सेक, क्या मुझे एक सेक मिलेगा? लो लिखो जल्दी से, सेम वही घिसा पिटा फॉर्मूला कर। अब जो इम्पोर्टेंट बात लिखवा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखना है। इसके लिए मैं एक सवाल भी दूंगा, हो गया? नहीं रुको, बी फास्ट एज यू कैन। मेरा नेट ही नहीं चल रहा। तुम भी नहीं चल पा रही हो, नेट के बिना कैसे चलूंगी सर क्लास में। हाँ हो गया, हो गया ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो नोट लिखवा रहे हैं वो बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, योगेश दादा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिखो। हिंदी में लिखवाए इंग्लिश में लिखवाए? पहला पीएच एंड पीओएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, does not change after dilution। मैं बताऊंगा बताऊंगा, don't worry, ठीक है। दूसरा but in case of normal solution pH and pOH depends upon dilution, अब इसके ऊपर सवाल दिया जाएगा तब समझ में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना भी डाइल्यूट कर दो सॉल्यूशन को, बफर सॉल्यूशन को, 10 लीटर पानी मिला दो, 50 लीटर कर दो, 100 लीटर, 200, 300, डाइल्यूट 1000 गुना कर दो, 10000 गुना कर दो, पीएच या पीओएच चेंज नहीं होने वाला। गॉट इट? पीएच पीओएच चेंज नहीं होगा बफर सॉल्यूशन का, याद रखना। ये कहानी किसके लिए है? बफर सॉल्यूशन के लिए। बताओ ना ये कहानी किसके लिए है? नॉर्मल सॉल्यूशन। तुम बोलोगे फील नहीं आ रहा है ना, क्यों ममता फील नहीं आ रहा है? तो इसको फील दिलवाने के लिए मैं दूंगा एक सवाल, ये लिख चुके हो क्या? जल्दी बताओ, हो गया? हुआ? यस सर। ममता? हाँ हो गया। ओके आइए लीजिए एक सवाल क्वेश्चन। पीएच ऑफ बफर्ड सॉल्यूशन इज 4 if solution diluted suppose 1000 times, है ना, ये 100 कर देते हैं, चलो 100 times, then pH of resultant solution रुको, अभी अभी इसको सॉल्व मत करना, लिख चुके हैं, मैं एक सवाल सेम ऐसा ही देने वाला हूं, लिख चुके हो क्या? लिख चुके हो क्या? हाँ सर। ठीक है, एक और, एक और। जैसे लिख रहा वैसे ही लिखो,
अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। इस सवाल को पढ़ो, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज 4, इफ सॉल्यूशन डाइल्यूटेड 100 टाइम्स देन पीएच ऑफ रिजल्टेंट बफर सॉल्यूशन इज अप्रोक्स। सबसे पहली बात, इसने क्या बोल दिया कि ये एक बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच क्या दिया है 4, और सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया 100 टाइम्स, इस पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो पहले 4 था तो अभी भी 4 है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है। मैंने अभी अभी बताया है बफर सॉल्यूशन डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, 100 टाइम्स करो, 1000 टाइम्स करो, 10,000 टाइम्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नो दिक्कत, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, इसमें क्या बोला है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 4, इफ सॉल्यूशन डाइल्यूटेड 100 टाइम्स देन कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इन अप्रॉक्स। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पीएच का मतलब क्या होता है जरा मुझे बताना योगेश दादा। तुम बोलोगे सर पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग एच प्लस का कंसेंट्रेशन, सिंपल सी बात है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 का पावर माइनस पीएच एच प्लस बराबर, एच प्लस का कंसेंट्रेशन बराबर 10 का पावर माइनस पीएच। तो एच प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है योगेश दादा? तुम बोलोगे एच प्लस का कंसेंट्रेशन 10 का पावर माइनस 4 है, पीएच देखो कितना है 4, तो एच प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया 4, पीएच का वैल्यू देखो दोस्त 4 है, तो 10 का पावर माइनस 4 एच प्लस का कंसेंट्रेशन आया ना, जल्दी बताइए। हाँ सर। ये कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो पुराना वाला है, एच प्लस अब कितना हो गया, ये तो पहले था इतना 10 का पावर माइनस 4, अब इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया गया, पहले मान लो वॉल्यूम 1 था, पहले मान लो नीचे वॉल्यूम 1 था, अब वॉल्यूम कितना कर दिया गया दोस्त, अब वॉल्यूम 100 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज हो गया, क्या हुआ वॉल्यूम चेंज, तो मैं नीचे लिखूंगा 100, 100 यानी 10 का पावर 2 ही लिख देते हैं, 10 का पावर 2, तो एच प्लस न्यू वाला, ये न्यू है, न्यू एच प्लस कंसेंट्रेशन अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये घूम के ऊपर जाएगा, तो 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा ना, तो पीएच कितना हो जाएगा? हाँ, एक बार फिर से, और एक बार फिर से, कंसेंट्रेशन टर्म जानते हो वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कंसेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड, मोलैरिटी को जनरली हम कंसेंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी को यूज करते हैं कंसेंट्रेशन टर्म, ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास 10 का पावर माइनस 4 आया था मोलैरिटी, तो हम इसको मान लेते हैं 10 का पावर माइनस 4 अपॉन 1 लीटर, इतना मोल एक लीटर में था, इसको 100 टाइम्स क्या कर दिया गया है, डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब कि वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है, पानी मिला दिया गया, तो ये 1 लीटर था पहले, तो 100 टाइम्स कितना हो जाएगा 100 लीटर, आया ना, तो अब मोलैरिटी कितना हो गया, चेंज हो गया, ये पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो अब कंसेंट्रेशन कितना हो गया 10 का पावर माइनस 6, मैंने वही लिखा 10 का पावर माइनस 6, तो 10 का पावर माइनस 6 होगा तो पीएच कितना हो गया 6, सिंपल, हाया ना, अरे हाया ना, 10 का पावर माइनस 4 था तो पीएच हो गया था 4, 10 का पावर माइनस 6 तो पीएच कितना हो जाएगा 6, सिंपल, तो आंसर देखे चेंज हो गया। ये अप्रोक्स इसलिए डाला गया है, ये अप्रोक्स इसलिए डाला गया क्योंकि कुछ पानी का भी होगा, कुछ उसका भी होगा, है ना, इसलिए मैंने अप्रोक्स लिखा है, ये अप्रोक्स। तो बस मैं ये सवाल देकर ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बिहेव करता है, एक बफर सॉल्यूशन कैसे बिहेव करता है। बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं हुआ, 4 था 4 ही रह गया, बट इसका पीएच चेंज हो गया, 4 से कितना हो गया 6, जैसे हम पानी ज्यादा मिला दिए या कुछ भी उसको डाइल्यूट कर दिया तो इसका पीएच क्या हो गया 6 हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यानी थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ बढ़ने लगा, बताओ कोई दिक्कत? सर माइनस, हाँ हाँ, 10 का पावर माइनस 6 ये एच प्लस कंसेंट्रेशन है, समझी, और एच प्लस कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है एच प्लस इज इक्वल्स टू 10 का पावर माइनस पीएच, सॉरी 10 का पावर माइनस पीएच, और इस एच प्लस का पावर कितना है 10 का पावर माइनस 6, हेंस 10 का पावर माइनस पीएच, तो पीएच बराबर कितना हो गया 6 इक्वल्स टू पीएच। बोलो समझ आया, यहां से आया,
बताइए, कोई दिक्कत? नहीं हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आइए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। ओके।